गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोग अपने घर पे ही रहना, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है। इसकी वजह से हम लोगों को सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आप लोग प्रीवियस क्लास में, आज मैं इंग्लिश की क्लास LKG की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आप लोग पिछले क्लास में आपने पढ़ा है ओ, तो आज हम सीखेंगे जी। तो जी के लिए हम लोग पहले फोर लाइन्स लेंगे। 1, 2, 3 एंड 4। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जी लिखना है हमें, तो हम लोग मिडिल लाइन को लेंगे, जैसे फर्स्ट वाला और लास्ट को मिस कर देंगे, इसको हम लोग मिडिल लाइन लेंगे। ये जो हमारा बीच का जो लाइन है उसमें हम जी लिखेंगे। तो जैसे ये जी के लिए हमने लिया है, इस तरह से हाफ राउंड किया है, हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल हुआ, और इसको ले जाके हम लोग स्टैंडिंग लाइन से ला करके नीचे करेंगे और ऐसे, और इसको डिजाइनिंग के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे। तो ये हुआ हमारा जी। जैसे हमने हाफ सर्कल किया और इसको स्टैंडिंग लाइन में ले जाके ये यू घुमा के ऐसे ऊपर ले गए, और इसको इस सुंदर दिखने के लिए, ये हमारा कर्सिव जी, ये हमारा सिंपल है नहीं, जैसे हमने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर लिखा है ना, इसके लिए तो वो हमारा भी जी है, लेकिन ये हमारा कर्सिव राइटिंग का जी है, तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको यूं राउंड घुमाएंगे और राउंड लेकर के इस तरह करेंगे, और इसको इस तरह से हमारा ये हुआ जी। तो हमने पहले जो हमारा लेसन पढ़ाई हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में डाला हुआ है, जैसे ए आपने सीखा होगा, और उसके बाद से हमने ओ सीखा है। ओ से हमने ए सीखा है, ए फॉर एप्पल से हमने तीन वर्ड देखे। यहाँ पे चार वर्ड हमारे दिए गए हैं, एप्पल है, एंट है, एरोप्लेन है और एक्स है। तो इसको हम आपने कर लिया होगा। और दूसरी है कि हमने सीखा है ओ से ऑक्टोपस, ठीक है। तो ओ हमने सीख आपने सीख लिया होगा, हमारे पिछले वीडियो में ये पढ़ाई हो चुकी है। और आज हमने सीखा है जी, तो जी के लिए है जी फॉर गेट, GATE, गेट। तो ये हमारा जी है। तो जी को हम लोग को क्या करना है कि जैसे फोर लाइंस के कॉपी एक आपको बुक में भी फिलअप करना है, और बुक में फिलअप करने के बाद उसको सीखना है कि बुक में फिलअप करने के बाद आपको तो एक ही बार में तो आप सीखोगे नहीं, तो इससे हमको क्या करना है, एक नोटबुक भी लेना है। नोटबुक के साथ हम क्या करेंगे कि नोटबुक में हमें 2-3 पेज उसको ट्राई करना है, लिखना है, सीखना है, ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो और हम सीख जाएं, ठीक है। और इसमें हमारे नीचे दिया गया है, राइट द फर्स्ट लेटर ईच पिक्चर्स एंड कलर्स द सेम। तो ये हमारा जो है, हमारा ये है किस चीज़ का पिक्चर, तो ये है, आप लोग पहचानते होंगे, ये ग्राफ्स है, तो ग्राफ्स को कलर करना है, ठीक है। ग्राफ्स जिस कलर का होता है उस कलर का कलर कीजिए। और इसका जो है, ये हमारा ये फर्स्ट लेटर छूटा हुआ है, यहाँ हमारा मिसिंग है फर्स्ट लेटर, तो इसको हमारा ग्राफ्स का स्पेलिंग जो भी होता है GRAPES, क्योंकि हमने यहाँ पे जी से फिलअप किया है, तो यहाँ पे जी ही भरना है, ठीक है। तो ये जो जी है, तो जी हमने कर्सिव राइटिंग का ही जी लिखना है कर्सिव लेटर में, और GRAPES ग्राफ्स हुआ। फिर यहाँ पे किस चीज़ का फिगर दिया हुआ है बच्चों, तो ये है हमारा गॉड, गॉड है, तो गॉड का फर्स्ट लेटर जी होता है, तो जी हमारा GOAT गॉट हुआ, गॉट मीन्स बकरी। और ये हुआ हमारा, ये किस चीज़ का फिगर है, ये हुआ गेट, GATE गेट, ठीक है। तो ये हमारा तीन वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, इसको हमको लिखना भी है, और जी से तीन वर्ड मीनिंग हमको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये हमने चार लाइंस की कॉपी में ये हमने लिखना सीखना है, अपने बुक में भी फिलअप करना है, और बुक में फिलअप करने के बाद आपको एक नोटबुक में भी लिखना है, ताकि ये बुक के साथ नोटबुक को भी चलाना है। उसमें नोटबुक से सीखिएगा तो आपको इस नोटबुक से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे बुक्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, जी का पेज ख़त्म हो गया, तो उसको हम नोटबुक में 2-3 पेज उसको लिखेंगे और उसको सीखेंगे, ठीक है। तो इससे हमको फ़ायदा क्या होगा कि हमें लिखना आ जाएगा और हमको कोई
ज्यादा दिक्कत आगे चल करके नहीं आएगी। अब हमको वर्ड मीनिंग दे, अब हमको क्या है होमवर्क में देने, एच डब्ल्यू है हमारा, ए से हमको हमें चार वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। आपने याद किया होगा, नहीं भी किया होगा तो मैं दे रही हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे ए एप्पल, ठीक है। उसके बाद हुआ एंट, ए एन टी एंट मीन, ठीक है। उसके बाद हुआ एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ठीक है। ये तीन वर्ड्स हम ए से याद करेंगे और अगले क्लास के लिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।